नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त फिर हाजिर एक नया टॉपिक लेकर। आज हम बात करेंगे इमली खाने के फायदे और उसके लाभ के बारे में। इसको खाने की इच्छा भी बहुत होती है, लेकिन इसका खट्टापन हमें इमली खाने से रोक देता है। इमली का टेस्ट लगभग सभी व्यक्तियों ने किया है, लेकिन शायद आप और हम सभी इमली बेनिफिट्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। तो चलिए आज इमली के बीज और इमली को खाने के फायदों के बारे में जानते हैं। इमली को काम में लेने के बाद इसके बीजों को फेंक दिया जाता है। इसके बीजों को फेंकना नहीं चाहिए, यह बहुत ही फायदेमंद है। 250 ग्राम इमली के बीज भाड़ में बनवा लें या फिर घर में ही सेक लें, फिर इनको कूट कर छिलका उतार लें और पीस लें। इसमें 250 ग्राम खांड को मिला लें। इसकी 2 चम्मच रोजाना सुबह के समय गर्म दूध से के साथ खाना है आपने। यह प्रदर स्वपन दोष और मर्दाना शक्ति बढ़ाने में लाभदायक है। 1/2 किलो चीनी इमली के बीज 4 दिन पानी में भिगोएं और छिलके उतार कर छाया में सूखने पर समान भाग से मिश्री मिलाकर उसको पीस लें। 1/4 चम्मच रोजाना दूध में सुबह शाम इसकी फक्की लें। 50 दिन सेवन करने से शिखर पतन बिल्कुल दूर हो जाएगा और वीर्य गाढ़ा हो जाएगा। फोड़े फुंसी को भी ठीक करता है। इसके लिए 25 ग्राम इमली 1 गिलास पानी में मथ कर उसको मिलाकर पीने से इसमें फायदे होते हैं। इमली के बीजों को उबाल कर पीस कर फोड़ों पर व सूजन पर लगाने से आराम मिलता है। पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसके लिए 50 ग्राम इमली 1 गिलास पानी में भिगो दें और भीगने पर इसे मथ कर पानी मसल कर छान लें। इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी सेंक कर पिसा हुआ जीरा काली मिर्च मिलाकर इसे पिए। इससे भोजन पचता है और भूख भी अच्छी लगती है। अस्थि रोग यानी फ्लोरेंसिस से यह एक अस्थि रोग है दोस्तों। जब हम फ्लोराइड आयरन से युक्त पानी पीते हैं तो इस स्थिति में फ्लोरेंसिस रोग हो जाता है। इस रोग में दांत खराब और पीले पड़ जाते हैं, गल जाते हैं और हड्डियों का भार भी बढ़ जाता है। जोड़ों में जकड़न होती है और मेरुदंड में ऐठन हो जाती है। ऐसी स्थिति में इमली का पानी पिएं। इमली का पानी फ्लोरेंसिस आयरन खत्म कर देता है। इमली के पानी में नमक मिलाकर पीने से फ्लोराइड आयरन हटाने की क्षमता 40 गुना बढ़ जाती है। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति रोजाना इमली और अनारदाना का सेवन करता रहे तो उसकी उम्र 10 वर्ष तक बढ़ सकती है। कैंसर के रोगी को रोटी नहीं खानी चाहिए, उसके बदले चावल को ही खाना चाहिए। पेशाब में अगर जलन होती है तो इमली भिगोकर पानी में मथ कर छान लें। यह इमली का पानी है, इसमें शक्कर या मिश्री मिलाकर पीने से ही पेशाब की जलन दूर हो जाती है। अगर पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, बार बार पेशाब आता है, उसके लिए रात को इमली के 10 बीज पानी में डुबो दें। सुबह उसके छिलके उतार कर दूध में डालकर पीस लें और 1/2 गिलास गर्म दूध में शक्कर मिलाकर उसमें पीसी हुई इमली के बीज मिला लें और उसको अपने रोजाना पीना है। इससे बार बार पेशाब आना बंद हो जाएगा। अगर बिच्छू ने काट लिया हो तो इमली के बीज को तोड़कर 2 फांक करके उसको भिगो लेना है और बिच्छू के काटे हुए स्थान पर दबा कर रखना है। बीज वहाँ चिपक जाएगा, यह फांक बीज चूस कर अपने आप उतर जाएगी और निकल जाएगी। अगर आपको लू लग गई है तो लू से बचाव के लिए दोस्तों क्या करना है। 1 गिलास पानी में 25 ग्राम इमली को भिगोकर इसका पानी पीने से गर्मी में लू नहीं लगती। पकी हुई इमली के गुद्दे को हाथ और पैरों के तले पर मलने से लू का असर मिट जाता है। अगर एसिडिटी की शिकायत है तो 2 पकी हुई इमली के छिलके हटाकर मिट्टी के कुल्लड़ में रात को भिगो दें। सुबह इमली इस पानी मल कर मसल कर पानी छान कर उसमें पीसी हुई मिश्री अपने टेस्ट के हिसाब से मिलाकर रोजाना 10 दिन तक पिएं, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ये थे इमली के और उसके बीज के फायदे। आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्थ्यवर्धक जानकारी लेकर आते रहेंगे। इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन का जरूर दबा देना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।